2014 और 2019 दोनों ही चुनाव में गुड़गांव जिले में बीजेपी का डंका बजा। 2014 में जहां बीजेपी ने चार की चार सीटों पर सुपड़ा साफ किया, वहीं 2019 में भी बादशाहपुर के अलावा तीन सीटों पर बीजेपी का डंका बजा। लेकिन 2024 के चुनाव में बीजेपी चारों ही सीटों पर फंस गई है। सिर्फ पटौदी सीट पर ही बीजेपी का पलड़ा भारी है, यानी जीत के हिसाब से पटौदी ही संभव नजर आती है। बाकी तीन सीटों के ऊपर बीजेपी फंसती हुई नजर आ रही है। अब बादशाहपुर के बाद अब गुड़गांव सीट के ऊपर भी बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बज गई है, क्योंकि बीजेपी के प्रत्याशी मुकेश पहलवान अपने चुनावी ग्राफ को उस लेवल तक उठा नहीं पा रहे हैं जो जीतने के लिए बेहद जरूरी है। आखिर मुकेश पहलवान कहां फंसे हुए हैं, मुकेश पहलवान को फजीत का सामना कहां करना पड़ा और मुकेश फजीत के लिए डाउनफॉल कहां निकला, ये जानने के लिए आज की ये खरी खरी खबर जरूर देखिए। मुकेश पहलवान सेंटर के आशीर्वाद से टिकट लेकर तो आ गए हैं, लेकिन चुनावी दंगल में उनके दांव पेच नहीं चल पा रहे हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद वो नंबर एक की लड़ाई में पिछड़ रहे हैं और यही वजह है कि उनका चुनाव लगातार डगमगा रहा है और उनके साथ में लोगों का जुड़ाव लगातार टूट रहा है। जहां बीजेपी के आधे से ज़्यादा पदाधिकारी उनका साथ छोड़ गए हैं, वहीं पब्लिक को लेकर भी वो ज़्यादा वोट कैचर और भीड़ कैचर साबित नहीं हो रहे हैं और यही वजह है कि उन्हें बड़ी बड़ी रैलियों की जगह मुंह छुपाने के लिए, मुंह दिखाने के लिए नुक्कड़ सभाओं का सहारा लेना पड़ रहा है। नितिन गडकरी जैसे केंद्र के बड़े मंत्री के प्रोग्राम को भी मुकेश पहलवान ने छोटा कर दिया। बड़ी रैली करने के बजाय मुकेश पहलवान ने एक नुक्कड़ सभा जैसे कार्यक्रम में नितिन गडकरी को बुला लिया। जी हाँ, भीमनगर के रामलीला ग्राउंड में नितिन गडकरी को बुलाया गया। ये नितिन गडकरी के रुतबे के हिसाब से बहुत छोटी जगह थी, क्योंकि जिस स्थान के ऊपर हज़ार से भी कम लोग हों वहाँ पर नितिन गडकरी को बुलाना सही नहीं कहा जाएगा, जायज़ नहीं कहा जाएगा, लेकिन मुकेश पहलवान ने ऐसा कर लिया। मुकेश पहलवान ने इससे पहले भी पीयूष गोयल को एक सभागार में कहिए या एक मैरिज प्लेस में बुलाकर अपनी मीटिंग कराई थी, अपनी जनसभा कराई थी, जबकि सभाओं के मामले में दूसरे बड़े स्थान भी उपलब्ध थे, लेकिन मुकेश पहलवान छोटे स्थानों को इसलिए चूज कर रहे हैं ताकि उनकी फजीहत ना हो, लोगों की कम भीड़ भी ज़्यादा नजर आए और उनका चुनावी ढमढमा ढका रहे। लेकिन नितिन गडकरी के मामले में भी मुकेश पहलवान एक्सपोज हो गए हैं। जब नितिन गडकरी समारोह स्थल पर पहुंचे तो लोगों की कम भीड़ देखकर वो निराश हो गए। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज को खुद समझकर देख सकते हैं कि वो किस तरह से मायूस हैं। जब माल्यार्पण हो रहा था तो भी उनके चेहरे के ऊपर वो जोश खरोश नहीं था, वो रंगत नहीं थी जो एक बड़ी रैली में एक बड़े नेता को फील होती है। यानी नितिन गडकरी को इस जनसभा में आना अच्छा नहीं लगा। उनका भाषण भी वो दमदार रंग में नहीं था, उसमें करंट नहीं था, क्योंकि सामने जब छोटा मैदान हो, लोगों की कम भीड़ हो, तो फिर नितिन गडकरी जैसे बड़े नेताओं को ये चीज़ खलती है। जहाँ पर मोदी, योगी और अमित शाह के लिए बड़ी बड़ी रैलियों का आयोजन होता है, वहीं पर मुकेश पहलवान बड़े बड़े नेताओं को छोटी छोटी जगह लाकर उनका अपमान कराने का काम कर रहे हैं। यही वजह है कि नितिन गडकरी इस प्रोग्राम को लेकर बेहद निराश हुए, उन्होंने इसकी नेगेटिव रिपोर्ट दी और मुकेश पहलवान के लिए ये नेगेटिव मार्किंग अच्छी नहीं कही जाएगी। जाहिर सी बात है, नितिन गडकरी जैसे बड़े नेता को उसे तीन चार गुना बड़ी स्पेस पर लाना चाहिए था, बहुत ज़्यादा लोगों की वहाँ पर हाजिरी होनी चाहिए थी और कम से कम 5,000 लोगों की रैली होनी चाहिए थी, तभी उनके कद के साथ इंसाफ होता। लेकिन नितिन गडकरी को 1,000 से भी कम लोगों के बीच में ला खड़ा किया गया। लेकिन इसे मुकेश पहलवान की मजबूरी भी कहा जाएगा, क्योंकि तो मुकेश पहलवान के साथ में लोगों की भीड़ नहीं जुट रही है। वो छोटे छोटे प्रोग्राम तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन बड़े प्रोग्राम करने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही है और यही वजह है कि उनका चुनाव भी लगातार बैठ रहा है। इनके तुलना में कांग्रेस का प्रत्याशी और निर्दलीय नवीन गोयल का चुनाव प्रचार उनसे मजबूत नजर आ रहा है। दोनों ही प्रत्याशी उन पर हावी पड़ रहे हैं और यही वजह है कि मुकेश पहलवान के लिए चुनौतियां बढ़ रही हैं, उनका चुनाव फंस रहा है और उनके लिए दिक्कतें लगातार बढ़ रही है। आप मुकेश पहलवान को किस लेवल पर देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। गुड़गांव सीट के ऊपर मुकेश पहलवान, नवीन गोयल और मोहित ग्रोवर में से कौन जीतेगा, ये कमेंट करके जरूर बताइए। गुड़गांव सीट के ऊपर इस बार जीत का सबसे मजबूत दावा किसका है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। मुकेश पहलवान के चुनाव में क्या गड़बड़ है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।